हेलो दोस्तों, शाम का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के। और इस टाइम अक्सर हम अपने बच्चों के साथ छत पे टाइम स्पेंड करते हैं या फिर जो भी टाइम हम दे सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और 7 o'clock तक हम फिर से किचन में होते हैं, जैसे डिनर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आज भी डिनर में कुछ स्पेशल हेल्दी इंडियन डिशेस बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ सोया मक्खनी की सब्जी जो विदाउट क्रीम होगी, और स्प्राउट पराठा, जो मूंग की दाल का स्प्राउट है उससे पराठा बनाएंगे हम। ये दोनों ही सब्जियाँ बहुत हेल्दी होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, तो इसके लिए मैंने ये स्प्राउट्स लिए हैं जो पहले से स्प्राउटेड है, जो रखे रहते हैं। आप नाश्ते में ले सकते हैं या आप इसे सब्जी की तरह छौंक कर भी ले सकते हैं। तो स्प्राउट पराठा बनाने के लिए मैं अपने स्प्राउट्स को पहले अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसमें आटा और थोड़ा सा नमक डालकर इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे, सॉफ्ट डो। अभी हमारा स्प्राउट थोड़ा कर रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा पानी डालकर और ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये स्प्राउट पराठे के हिसाब से एकदम ठीक है। स्प्राउट पराठा प्रोटीन से भरपूर होता है, क्योंकि जो खाली गेहूं का आटा होता है वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, और वो बहुत फैटी भी होता है, और बच्चों को देखते हुए भी वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि जो गेहूं है उसमें खाली ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, और जो दालें होती हैं उसमें एक ग्लाइसिन नाम का प्रोटीन होता है। तो यदि हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक हेल्दी और एक अच्छी रेसिपी आती है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो स्प्राउट्स हैं वो बच्चों के लिए वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये है हमारी दूसरी जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं आज, सोया मखनी की। तो मैं इसे विदाउट क्रीम बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे शिमला मिर्च और टमाटर दोनों की प्यूरी के साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि डेली में अक्सर यदि हम अपना डिनर कर रहे हैं तो उसमें डेली क्रीम लेना या फिर बहुत सारी मलाई लेना अच्छा नहीं है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता रोज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में देना या अपने हस्बैंड को देना। तो इसलिए मैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए इसमें केवल और केवल टमाटर और शिमला मिर्च की ही प्यूरी डालूंगी, और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने बहुत बारीक बारीक काट के भी रखी हुई है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी तैयार हैं। ये जो हमारे सोया चंक्स हैं ये भी मैंने निकाल कर रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, मैं इनमें भी गर्म पानी ऐड कर देती हूँ, जैसे जब तक ये सब्जी हमारी होगी ये सोया चंक्स भी एकदम रेडी हो जाएंगे। चलिए, बस आटा गूंथने को रह गया है, तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालकर हम अपने स्प्राउट्स को मिक्स कर लेते हैं। आई थिंक इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्प्राउट्स को पीसते टाइम भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। तो देख लेते हैं, यदि थोड़े से एक दो चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें डाल देंगे। यदि हम इसमें अभी से ही पानी ऐड करेंगे तो ये आटा पतला भी हो सकता है। जब हम किसी भी दाल को स्प्राउट करते हैं तो वो अच्छे से फर्मेंटेट होती है, उसकी वजह से उसमें विटामिन B12 जो बहुत अच्छा होता है और बहुत ही रेयर विटामिन होता है, हमें बहुत ही कम चीज़ों से मिलता है अक्सर, वो हमें मिलता है स्प्राउट से। तो स्प्राउट में प्रोटीन होने के साथ साथ विटामिन B12, फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो मुझे लगता है कि हमें डेली कम से कम एक मुट्ठी स्प्राउट किसी भी फॉर्म में हम लें हमें ज़रूर खानी चाहिए, और यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो बिल्कुल लेनी चाहिए। चलिए, मैं एक साइड अपनी सब्जी को छौंक देती हूँ। इसे बिल्कुल सिंपल सब्जी की तरह ही छौंकना है, घी में
थोड़ा सा जीरा, हल्की सी मिर्ची, हल्दी पाउडर और हल्का सा इसमें बिल्कुल हींग का हल्का सा तड़का भी दिया है मैंने। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस अब मैं इसे थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख देती हूँ, जिससे हमारी जो हमने कच्ची शिमला मिर्च इसमें डाली है और प्यूरी डाली है वो दोनों ही एकदम तैयार हो जाए। मैंने गैस भी स्लो कर दिया और दूसरी तरफ हमारी ये सोया चंक्स भी एकदम रेडी है। तो ये बहुत गर्म है तो मैं इसको एक छलनी में अलग निकाल लेती हूँ। अच्छे से निचोड़ कर हमारी सोया चंक्स रेडी हो गए हैं। तो अक्सर होता है कि सोया चंक्स की सब्जी बनाते में आप सोया चंक्स को डीप फ्राई करते हैं, लेकिन यदि मैं डेली रूटीन में सोया चंक्स की सब्जी बना रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं करूँ। यदि कोई स्पेशल ओकेजन है तो हम डीप फ्राई काफ़ी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट यदि डेली है तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करें। तो मैंने इसे थोड़ा सा तवे पर ही घी रखा हुआ है और अब मैं अपने सोया चंक्स, जो हमारे सोया चंक्स अभी हमने रेडी किए थे भिगोकर, उन्हें दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, जिससे इसका पंदीलापन जो होता है अंदर वो बिल्कुल निकल जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फ्राई करें, लेकिन हमारे घर में ये फ्राई ही सबको पसंद है तो मैं इनको दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। जो सोयाबीन होता है, यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन दो ही चीज़ों से अवेलेबल है, एक तो दाल और दूसरा है सोयाबीन। तो सोयाबीन प्रोटीन में बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, लो क्रैब फूड माना जाता है ये। तो यदि आप लो क्रैब प्रोटीन या लो क्रैब फूड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सोयाबीन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और बढ़ते हुए बच्चे, जैसे कि मेरे छोटे छोटे से भी दोनों बच्चे हैं, उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो एकदम ग्रोइंग एज पर हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि यदि ऐसे वैसे तो वो खाना नहीं खाएंगे अच्छा, लेकिन यदि नॉर्मल रूटीन में मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रोटीन शामिल कर सकूँ, विटामिन शामिल कर सकूँ, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए भी सोयाबीन बहुत अच्छा होता है। ग्रोइंग एज पर हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोटीन दें, क्योंकि प्रोटीन ही उनकी ग्रोथ को अच्छा रखता है और बढ़ाता है। मैं सोया चंक्स में भी हल्का सा नमक और हल्का सा गरम मसाला ऐड करके इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसमें मिर्ची नहीं यूज़ किया, रेड मिर्ची, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रेड मिर्ची नहीं खा पाते हैं। और इसमें हल्का सा मसाला ऐड करने से इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और जो गरम मसाला है उसमें काली मिर्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, तो जब हम घी और काली मिर्च को मिलाकर बच्चों को देते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। घी और काली मिर्च बच्चों की मेंटल पावर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यदि आप बच्चों का खाना बना रहे हैं तो उसमें हमें कोशिश करनी ही चाहिए कि हम रेड चिली का यूज़ कम करके ब्लैक पेपर ज़्यादा यूज़ करें, यानी काली मिर्च को ज़्यादा यूज़ करें। हमारा आटा एकदम बढ़िया सा हो गया है जब तक सब्जी बनाई है। अब ये सब्जी भी गल जाएगी इतनी देर में और दूसरी तरफ हम पराठे भी सेक कर रख लेते हैं।
तो हमारा रात का डिनर फटाफट से अब बस रेडी हो जाएगा। जब तक एक तरफ हमारी पराठे सिकेंगे, हम दूसरी तरफ अपनी सब्जी में सोया चंक्स मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी सब्जी एकदम बढ़िया हो जाए और सूखी सूखी सी ना रहे ज़्यादा। इसी तरह से डेली ही डिनर का रूटीन थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश की जाती है, जिससे हम पूरे दिन फिट और हेल्दी रह सकें। और यदि आप ही अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं या फिर आप एक डाइट प्लान पर चल रहे हैं, तो ये डिनर रूटीन मुझे लगता है सबके लिए काफ़ी अच्छा है। ये बच्चों के लिए तो अच्छा होता ही है, उसके साथ बड़े लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को लेकर या फिर जिम जाते हैं या फिर डेली वर्कआउट पर रहते हैं या जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं लेकिन अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा डिनर रूटीन है ये। बिकॉज ये लो कैलोरी होने के साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट प्लान है। इसी तरह से डिनर रूटीन हमारा हल्का ही रहता है और कभी कभी हम डिनर में दलिया या वेजिटेबल दलिया या फिर वेजिटेबल ओट्स, इस तरह की रेसिपीज भी बनाते हैं। और इस तरह से हम दोनों ही साइड जब खाना तैयार करते हैं तो हमारा खाना 7:30 या 8 o'clock तक लास्ट कंप्लीट हो ही जाता है। और जो मेरे दोनों ही बच्चे हैं, इन दोनों ही बच्चों को, मेरे पास दो प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं जिसमें से एक बेटी से मैंने आपको अपने पहले वीडियो में मिलवाया था, और उन दोनों को ही वैसे स्प्राउट्स खाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब मैं उन्हें स्प्राउट पराठा बनाकर देती हूँ तो बहुत शौक से खा लेते हैं। उन्हें काफ़ी टेस्टी लगता है क्योंकि स्प्राउट पराठा काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छा होता है, टेस्ट उसका डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल पराठे से। तो ये देखिए दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी रेडी है। तो मैं सब्जी को भी दूसरी साइड खाली कर लेती हूँ। स्प्राउट पराठा हम डिनर में बनाने के साथ साथ इसे बच्चों के टिफिन में बनाकर भी दे सकते हैं। यदि आप एक कंप्लीट मील देना चाहते हैं बच्चों को तो आप स्प्राउट पराठे को स्टफ कर दीजिए वेजिटेबल्स के साथ, जिससे बच्चों में सब कुछ कंप्लीटली पहुंच सके, एक बैलेंस डाइट मिल सके उनको जो वो नहीं लेना चाहते हैं अक्सर, लेकिन वो इसके बहाने काफ़ी अच्छा एक अपना डाइट प्लान रख सकते हैं। तो इस तरह ही बातें करते करते मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है, तो मैं फटाफट से सफाई कर देता हूँ। यहाँ से सब कुछ क्लीन कर देते हैं और वहाँ अब थोड़े से बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं सिंक में, उनको भी क्लीन कर देते हैं जिससे हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा रहे और हम जब सुबह मॉर्निंग में दोबारा किचन में आए तो हमें काम करने में भी बहुत आसानी रहे। अब बस थोड़ी देर में
सब लोग घर पर वापस आ जाएंगे तो हम लोग बैठकर एक साथ डिनर करेंगे। तब तक के लिए मैं इस डिनर को ढक कर रख देती हूँ एक साइड। और सिंक में थोड़े से बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं, तो जब तक इनको क्लीन करके एक साइड रख देते हैं। यदि हम बर्तनों को तुरंत की तुरंत क्लीन करके रख देते हैं तो उन्हें क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है, और बर्तन भी बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं क्लीन। ये एक अच्छा प्रोसेस लगता है मेरे को क्लीनिंग करने का, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। और इसी तरह से आप जो भी डाइट प्लान या जो भी रूटीन आप जानना चाहते हैं या आपको कैसे लग रहे हैं, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आप नए नए जो भी डाइट प्लान जानना चाहते हैं उन्हें भी लिख दीजिए। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ उसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जो भी नया चाहते हैं मेरे चैनल पर, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं बहुत जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। तो बस अब मेरा काम बस ख़त्म होने ही वाला है। ये बर्तन क्लीन कर रखना ही रह गया है, इनको क्लीन कर लेते हैं और फिर हम सब बैठकर एक साथ गर्मा गर्म अपना डिनर करेंगे। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर ही जाऊंगी वॉक के लिए, क्योंकि डिनर के बाद एटलीस्ट हमें कुछ नहीं तो वो 500 स्टेप्स तो चलना ही चाहिए, जिसे हम हमेशा हेल्दी रह सकें। और यदि हम आज से हेल्दी रहना शुरू करेंगे तभी हम कल फिट रहें।